ठंडी हो या गर्मी, अचार खाना किसको पसंद नहीं है। और खाने के साइड में थोड़ा सा अचार, मजा आ जाता है ना खाने में। और वो भी टमाटर का अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग तो नहीं बोल रहे हैं। चलिए पूरा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी अचार बन के तैयार हो गई है और मैंने उसको कांच के बोतल में स्टोर भी कर दिया है। तो पूरा रेसिपी आप लोग देख लीजिए और बनाइए। जय जगन्नाथ। अब सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, ये इंस्टेंट टमाटर का जो अचार है, बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो टमाटर लिया है, जिसको मैंने अच्छे से नॉर्मल पानी में धो लिया है। धोने के बाद आप चाहें तो इसको एक दिन के लिए धूप में सुखा सकते हैं, ताकि उसका पानी पूरा सूख जाए, ऊपर वाला जो पानी है। या फिर आप अगर जैसे तुरंत बनाना चाह रहे हैं, जैसे मेरी तरह, तो इसको आप सूती कपड़े से पोंछ लीजिए, जैसे कि इसका पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अचार को हमें स्टोर जो करना है उसी लिए। तो मैंने देखिए उसको अच्छे से ऐसे पोंछ रही हूँ, जिससे क्या होगा, जो पानी में हमने धोया था सारा पानी पोंछ लेंगे। तो अभी मैंने सारा पानी पोंछ लिया है, अब बारी आती है टमाटर को काटने की। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं, लेकिन काटने का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे हम सब्जी के लिए छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, वैसे काटेंगे। बस ये जो पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला जो ऊपर का जो उसका हेड होता है, उसको निकाल लेंगे। सब्जी में भी तो हम इसको निकाल के डालते हैं ना, तो इसलिए उसको फेंक देंगे और सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जो सारे टमाटर हैं, सबको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। दोस्तों, ये जो टमाटर का अचार है, इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। चाहे आप आलू का पराठा हो या प्लेन पराठा हो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कोई भी सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच अचार ही काफी है। तो आपको बताते बताते देखिए, मैं धीरे धीरे सारा जो टमाटर है उसको काट रही हूँ। अभी मैंने सारा टमाटर भी काट लिया है और टमाटर कट के रेडी हो गए हैं। इसको करते हैं एक साइड, और चलिए इसके लिए ना अचार का जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का लहसुन लिया था, जिसको अच्छे से छील लिया है, और छीलने के बाद इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। उसके साथ 1 इंच टुकड़ा अदरक, अदरक का भी छिलका निकाल के इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों डाला है, काली सरसों लिया है। 1 बड़ा चम्मच जीरा। अभी हम इसको बिना पानी डाले इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। चाहे वो पेस्ट ना बने, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे दरदरा पिसा है। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि सरसों बिना पानी डाले तो पिसेगा नहीं, लेकिन हम पानी नहीं डालेंगे, पानी के जगह पे हम विनेगर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। आप अगर क्वांटिटी आपका अचार का बढ़ा रहे हैं, मतलब 1 किलो के बदले 2 किलो या 3 किलो कर रहे हैं, जितना भी मसाला आप पीसें, विनेगर से ही पीसिए। अभी देखिए, अभी हमारा मसाला पीस गया है, तैयार है मसाला। अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो मैं यहाँ पे सरसों के तेल में ये अचार बना रही हूँ। 1/3 कप सरसों का तेल मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों अचार तो सरसों के तेल में ही मजा आता है ना। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से धुआंधार गर्म, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और 1 छोटा चम्मच पंचफुरन डालेंगे। पंचफुरन जब अच्छे से चटक जाए, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, जिसको मैंने 2-2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ दिया है, उसको डाल देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर बहुत ही चटपटी और तीखी अचार पसंद करते हैं तो। या फिर सूखी लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 5 से 6 तेज पत्ता और उसके साथ आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। इन सबको लो फ्लेम पे, क्योंकि सरसों का तेल बहुत गर्म है, लो फ्लेम पे अच्छे से चटकने देंगे। जब ये सब अच्छे से चटक जाए, तब हम ये मसाला डालेंगे। आज थोड़ा सा मैंने कैमरा जो है ना दोस्तों, उल्टा तरफ रख दिया है, उसीलिए मैं हाथ से डाल के दिखा रही हूँ।
ये देखिए अभी सारा जो सरसों का मसाला डाल दिया, फ्लेम मेरा लो है, क्योंकि जैसे कि मैं बताई सरसों का तेल बहुत गर्म है, कढ़ाई भी बहुत गर्म है, फ्लेम मीडियम करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। और ये जो सरसों का मसाला है इसको बस दोस्तों 1 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भून के मतलब उसमें अभी हम सूखा मसाला डालेंगे। सूखा मसाला में यहाँ पे कुछ नहीं चाहेगा, बस आधी छोटी चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई तीखा नहीं पसंद करता है, लेकिन हाँ अचार मेरा कलरफुल दिखना चाहिए। लेकिन आप लोगों को अगर तीखा पसंद हो तो आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च के बदले जो देगी लाल मिर्च पाउडर होता है ना वो भी डाल सकते हैं। डाल के 30 सेकेंड के लिए बस मसाले के साथ भूनेंगे, उसके बाद जो कटे हुए टमाटर थे उसको डाल देंगे और डाल के इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और हमने तो नमक नहीं डाला, तो 2 से 3 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को मसालों के साथ मिक्स करके इसको बस दोस्तों पकाना है और कुछ नहीं करना है। अचार तो हमारा 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको पकाने के टाइम में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा चलिए आगे को मैं बताती हूँ, पूरा वीडियो मेरे साथ देखते रहिए। अच्छे से अभी मिला लिया है, अभी हम ढक्कन लगा के इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाने के बाद मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना पानी निकला है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने ही 1-2 कप पानी डाला है ना। नमक डालने के बाद टमाटर अपना पानी छोड़ता है, जिसके वजह से कि इतना पानी निकला है। ये देखिए इसको फिर से ढक देंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट बाद मैं आप लोगों को ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये हल्का सा रिड्यूस भी हो गया है और जो टमाटर है वो और भी ज़्यादा पक के जो गाढ़ापन आ गया है, बस यही जगह है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है ना, जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसका चिपकने का डर रहता है। फिर से चलिए ढक देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। तो टोटल 20 मिनट के बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया है और अभी करीबन मतलब 40 से 45 मिनट हो चुका है लो फ्लेम पे। मैं बीच बीच में हर 10 मिनट के इंटरवल पे खोल के उसको मिक्स कर रही थी। आपको भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, वरना क्या होगा नीचे से ये चिपकने का डर रहता है। तो बस दोस्तों अभी देखिए ये कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, आप कढ़ाई को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अभी हमें क्या करना है, जैसे ये पूरा गाढ़ा हो जाए तब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ, करीबन 4 बड़े चम्मच डाल के इसको मिक्स कर लेना है। जैसे मेरे परिवार में थोड़ा खट्टा मीठा पसंद करते हैं, आप लोगों को अगर चटपटा और तीखा पसंद हो तो आप चीनी कम डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों डालिए जरूर 1 चम्मच तो डालिए इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए। अभी देखिए अभी और भी रिड्यूस होके कैसे साइड से तेल निकलने लगा है। अब मैं मिक्स करके दिखाती हूँ अचार कितना गाढ़ा हो गया है। अब देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसको हमें और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। आप पहले से देख रहे होंगे विनेगर को छोड़ के हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है। और अब देखिए दोस्तों टोटल 1 घंटे का टाइम लगा, 1 घंटा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है और तेल कैसे छोड़ रहा है साइड से। अचार पूरा तैयार हो गया है, इसको मतलब ये तैयार हुआ है कि नहीं जानने के लिए बस इसका तेल को देखना है। जब साइड से अच्छे से तेल छोड़ने लगे तब आप समझ लीजिए अचार तैयार हो गया है। गैस बंद कर दिया था, अभी मेरा अचार ठंडा हो गया है और आप इसका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं। इसको अभी एक कांच के बोतल में रखिए और आप एंजॉय कीजिए। ठंडी में तो इसको फ्रीज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहें तो ठंडा होने के बाद 2 चम्मच साइट्रिक एसिड मिला के इसको आप रख सकते हैं, आपका अचार सालों साल खराब नहीं होगा। और अगर आप बाहर रखते हैं तो दोस्तों गर्मी में मैं सजेस्ट करूंगी इसको फ्रीज में रखिए, बस 1-2 दिन के लिए बाहर के लिए जितना क्वांटिटी चाहिए आप निकाल के उसको एंजॉय कीजिए। मेरी अचार तैयार है, आप लोगों को कैसा लगा आपका अचार बताना मत भूलिए। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।